बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर खेल जगत से जुड़ी हुई है। नई दिल्ली से एक खबर जहां एशिया कप का शेड्यूल तय हो गया है। श्रीलंका पाकिस्तान में टूर्नामेंट खेला जाएगा। पाकिस्तान में सिर्फ 4 मैच खेले जाएंगे तो वहीं श्रीलंका में टूर्नामेंट का फाइनल होगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अब शेड्यूल जारी कर दिया है। 31 अगस्त से एशिया कप का आगाज हो जाएगा। 17 सितंबर को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। तो श्रीलंका पाकिस्तान में टूर्नामेंट होगा और मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 4 मैच खेले जाएंगे, वहीं श्रीलंका में फाइनल मैच होगा। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप जी, देखिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शेड्यूल तय हुआ, एक तरीके से कहा जा सकता है पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है, तो श्रीलंका की बल्ले बल्ले हो गई। जी बिल्कुल, एसीसी जो है बहुत लंबे समय से इस टूर्नामेंट के जो शेड्यूल को लेकर पाकिस्तान पीसीबी से बात कर रहा था और फाइनली इसका शेड्यूल जारी हो गया है। अभी वेन्यू जो है मैचेस के वो डिटेल नहीं आए हैं, लेकिन 31 अगस्त से 17 सितंबर तक ये टूर्नामेंट होगा और ये जो है हाइब्रिड मॉडल के तहत टूर्नामेंट खेला जाएगा जो पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था। 4 मैचेस पाकिस्तान में है, 6 टीमों के बीच कुल 13 मैच एशिया कप में होंगे, 4 मैच पाकिस्तान में और फाइनल समेत जो 9 मैच है वो श्रीलंका को गए हैं। तो फाइनल के साथ साथ भारत के जो बड़े मैचेस है वो भी श्रीलंका में होंगे और पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 मैच है। और इससे एक चीज क्लियर हो गई कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल क्योंकि एक्सेप्ट किया इंडिया ने, अब जो पाकिस्तान जो है वो बिना किसी शर्त के वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत में आ सकता है। प्रगति, बिल्कुल दिलीप जी ये जानना चाहेंगे कि हाइब्रिड मॉडल आखिर है क्या, ये भी समझना चाहेंगे। जी देखिए, हाइब्रिड मॉडल जो है वो क्रिकेट में इस टर्म को बोला जाता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश में किसी भी कारण से अगर खेलने से मना कर दे, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो या किसी तरह की कोई डिप्लोमेटिक मामला हो, और जब वो मना कर देता है तो ऐसे में सजेस्ट किया जाता है कि उस देश के मैचेस जो है किसी न्यूट्रल वेन्यू पे, किसी और देश में किसी दूसरे न्यूट्रल जगह पर कराए जाए, तो इसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। और एशिया कप में भारत ने जब जाने खेलने से मना कर दिया था एक तरह से कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, तब पाकिस्तान ने खुद सजेस्ट किया था कि हाइब्रिड मॉडल के तहत भारत इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकता है, लेकिन फिर भी एसीसी ने जो किया है, मतलब जो शेड्यूल जारी किया है उसमें पाकिस्तान को मैच 4 मैचेस मिले, तो एक तरह से ये भारत की बीसीसीआई की भी एक तरह से जो मैसेज देना चाहता था पाकिस्तान को वो क्लियर हुआ है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।